अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस एवरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने शेड में क्रिमिनो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप दोस्तों ये देख सकते होंगे, मेरे पास एक अल्बिनो का मेल है और मेरे पास पार्वलू की मादा है, ठीक है। अब होगा क्या, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपकी मादा जो है पार्वलू स्प्लिट इनो है या नहीं है। अगर सादी पार्वलू है तो आपको क्या करना होगा वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आपकी मादा सादी पार्वलू है और आपका अल्बिनो जो है मेल है और आपकी मादा जो है सादी सिर्फ पार्वलू है, तो होगा क्या, आपके पास जितने ही बच्चे आएंगे, अल्बिनो आएगा, फिशरी बच्चा आएगा, पार्वलू बच्चा आएगा, ठीक हो गया। क्रिमिनो और पेस्टलिनो बच्चा नहीं आएगा जब तक आपके पास जो है आपके पास पार्वलू बच्चा आएगा और आपके पास जो है फिशरी बच्चा आएगा। जैसे कि मेरे पास ही आप देख सकते होंगे, ये सामने ये पार्वलू का जो है फिशरी मेरे पास चिक बैठा हुआ है और ब्लू फिशरी के जो है चिक बैठा है, जो कि इन दोनों का है, ठीक है। अब इसलिए मेरे पास क्या हुआ, जब इन्होंने मादा 2-3 क्लच दिए तो मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास एक भी रेडा बच्चा नहीं आया। मतलब क्या कि मेरी जो मादा है वो स्प्लिट इनो नहीं है, पार्वलू मतलब इनो में से नहीं निकली है, सादी पार्वलू है। अब आपको क्या करना होगा, जब आपके पास ऐसा पार्वलू चिक निकल आए तो आपके पास वो गारंटी 100% पार्वलू स्प्लिट इनो होगा। क्यों, क्योंकि वो आपके अल्बिनो में से निकला हुआ होगा, उसका जो बाप होगा या माँ होगी वो अल्बिनो होगी, ठीक हो गया। अब आगे क्या होगा कि अगर आपके फॉर एग्जांपल ये पेयरिंग आपके जो पेयर है, अब होगा ये अगर आपके पास जो ये पेयर है अगर वो आपका पार्वलू स्प्लिट इनो नहीं है, मादा या नर जो भी आप पेयरिंग कर रहे हैं, तो उसका जो चिक आएगा वो 100% पार्वलू स्प्लिट इनो होगा। क्यों, क्योंकि वो अल्बिनो में से निकला हुआ होगा। अब उस चिक को जब आप ब्रीड कराएंगे तो 100% आपके पास पार्वलू बच्चा भी आएगा, अल्बिनो बच्चा भी आएगा, ब्लू फिशरी भी बच्चा आएगा, क्रिमिनो भी बच्चा आएगा और डेकिनो भी बच्चा आएगा। तो दोस्तों, ये थी पेयरिंग। जो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सेम टू सेम अल्बिनो और पार्वलू स्प्लिट इनो मादा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलग दूसरी पेयरिंग करने की। आपके पास किसी भी क्लच में क्रिमिनो या डेकिनो आ सकता है, वो अल्लाह ताला के ऊपर है आपको कौन से क्लच में वो बच्चा दे देता है, मगर आएगा ज़रूर। तो दोस्तों, ये थी एक सिंपल सी पेयरिंग। अगर आपके पास पार्वलू नहीं है, स्प्लिट इनो नहीं है, तो सिंपल सी पार्वलू ले लें और अल्बिनो के साथ लगा दें, उसके जो बच्चे आएंगे वो कंफर्म स्प्लिट इनो होंगे। उस बच्चे को जब आप किसी के साथ अल्बिनो के साथ लगाएंगे तो आपके पास 100% क्रिमिनो भी आ सकता है, डेकिनो भी आ सकता है और 2-3 और जो मैंने आपको बताया वो सारे बर्ड्स आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।